भारतीय शेयर मार्केट में आज 2 मई को भी तेजी कायम रही। सेंसेक्स आज लगातार 8वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में लगातार 6ठे दिन तेजी देखने को मिली है। निफ्टी में एफएमसीजी और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी मेटल और एनर्जी इंडेक्स टॉप गेनर रहे। इनमें क्रमशः 1.4% और 1.3% की बढ़त देखने को मिली है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 0.4% यानी 242.27 अंकों की बढ़त के साथ 61,354.71 के स्तर पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 0.46% यानी 82.65 अंक बढ़कर 18,147.65 अंक पर बंद हुआ है। 2 मई के कारोबारी सत्र में करीब 2,053 शेयरों में तेजी रही, वहीं 1,472 शेयरों में गिरावट रही, जबकि 176 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि ग्लोबल रुझान को धता बताते हुए भारतीय बेंचमार्क इंडेक्सों ने आज भी तेजी दिखाई। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों और अनुकूल घरेलू माइक्रो इकोनॉमिक डेटा ने बाजार में जोश भर दिया है। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपए में आज कमजोरी देखने को मिली है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने पिछले बंद भाव 0.07% की गिरावट के साथ 81.89 पर बंद हुआ है। 3 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान का कहना है कि भारत के अपेक्षाकृत बेहतर मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े बाजार में तेजी को प्रेरित कर रहे हैं। अप्रैल के मजबूत जीएसटी आंकड़े ग्लोबल मार्केट में सुस्ती के बावजूद घरेलू बाजार को उत्साह प्रदान कर रहे हैं। आईटी, धातु और एनर्जी शेयरों में रैली ने बेंचमार्क सूचकांकों को अहम स्तरों से ऊपर बंद होने में मदद की है। तकनीकी रूप से निफ्टी ने एक छोटी कैंडल बनाई है, जबकि इंटरडे चार्ट पर यह अभी भी हायर बॉटम बना रहा है, जो मोटे तौर पर सकारात्मक संकेत है। निकट की अवधि में निफ्टी के लिए 18,050 से 18,000 पर अहम सपोर्ट होगा, जबकि 18,200 से 18,250 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 18,000 से नीचे जाता है तो फिर कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। HDFC सिक्योरिटीज़ के दीपक जसानी का कहना है कि निफ्टी आज मंगलवार को दिन के कारोबार में अच्छी बढ़त दिखाता नजर आया, लेकिन अंत में एक छोटा बॉडी स्पिनिंग टॉप बनाते दिखा। स्पिनिंग टॉप ऊपरी स्तरों पर अनिर्णय की स्थिति का संकेत है। निफ्टी के लिए 18,102 पर स्थित आज का लो काफ़ी अहम लेवल है। अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो फिर और करेक्शन देखने को मिल सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 18,265 निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 18,065 से 18,089 के जोन में सपोर्ट है। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 28 अप्रैल को बढ़कर 273.45 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 28 अप्रैल को 271.82 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.63 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों के वेल्थ में करीब 1.63 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।